असम। असम आपने बहुत देखा होगा अपने न्यूज़ चैनल्स में, जब भी मॉनसून का सीज़न आता है हर साल असम में आती है बाढ़, और ये टॉपिक रहता है ट्रेंडिंग नंबर वन ऑन अवर न्यूज़ चैनल, और रोज़ इस पर पॉलिटिक्स होती है और डिबेट्स होती है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या मतलब, क्योंकि हमें सिर्फ असम के गेंडे देखने के लिए काजीरंगा और असम की चाय पीने से मतलब है। इनफैक्ट सेवन सिस्टर स्टेट जो भी सात बहनें हैं उन सब की हमें सिर्फ ब्यूटी से मतलब है, हमें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं कि उन्हें क्या ज़रूरत है या फिर उधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या डेवलप करना या अपग्रेड करना। पर ऐसा अभी नहीं, हमेशा ऐसा होता था, होता है और होता रहेगा। असम में हर साल 2.5 मिलियन लोग ही नहीं बल्कि कई हजारों करोड़ रुपये का भी नुकसान होता है। पिछले कई सालों से काजीरंगा में राइनोसोरस, जो ग्रेट हॉर्न वाइट हॉर्न राइनोसोरस है, वो पोचड़ से ज़्यादा डूब के मर रहे हैं फ्लड की वजह से। असम के फ्लड का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इट्स ह्यू विशाल, विशाल का नदी है, इतनी बड़ी नदी, इतनी विशाल नदी कि आप इसे स्पेस से भी देख सकते हो। और ब्रह्मपुत्र नदी मानसून के सीज़न में सिर्फ पानी ही नहीं, सॉयल, ग्रेवल्स, रॉक्स, स्टोन्स, सॉल्ट, सिल्ट, समर्स, गर्मियों के दिनों में ग्लेशियर्स पिघलते हैं क्योंकि टेम्परेचर राइज होता है, जिस वजह से नदियों का वाटर लेवल और वाटर कैपेसिटी दोनों बढ़ जाती है और उनकी पावर बढ़ जाती है, और जहाँ पे भी वो जाती है फ्लड, बाढ़, यही रीज़न आता है। लेकिन अगर हम बात करें असम में फ्लड की तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा हमेशा पता नहीं पिछले कई दशकों से हो रहा है या जाने कई शताब्दियों से, लेकिन असम के लिए फ्लड बेनिफिशियल है क्योंकि असम के इकोसिस्टम में फ्लड का होना नेसेसरी है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जिस वजह से असम की जो सॉइल है वो इस देश की सबसे फर्टाइल सॉइल होती है। लेकिन ये नेचुरल फिनोमेना आज की डेट में एक नेचुरल डिजास्टर बन चुका है। पहले जब भी फ्लड आता था तो काजीरंगा के जितने भी जानवर थे वो सब हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते थे, लेकिन आज वो सब हायर एल्टीट्यूड पे जाते तो है लेकिन जो वाटर लेवल है वो हायर एल्टीट्यूड से भी ऊपर है। रीज़न क्या है, रीज़न वन एंड ओनली है क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि इसकी तो कोई बात ही नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया जल गया, अमेज़न जल गया, क्लाइमेट चेंज की किसी को कोई परवाह नहीं। फ्लड्स को अगर कोई अकर करता है तो फिर यह है बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स भी। बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स भी एक तरीके से प्रभाव डालते हैं जो कि असम में फ्लड में आग में घी डालने का काम करते हैं। ये जो साइक्लोन्स है ये पूरे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होते हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में हर साल साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन उधर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं और उसके बाद उड़ीसा का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतना हाईली अपग्रेडेड और हाईली डेवलप्ड किया गया है कि जिस वजह से अगर होना भी होता है तो वो पहले ही लोगों और जानवर दोनों को बचा लेते हैं। उसी तरह हमें असम के जो मैनेजमेंट रिलीफ सिस्टम को है या फिर हम कहें डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को हाईली अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उस पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इवन हमने जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है वो हमने इंडिया का एक ऐसा पोर्शन है जिसे हमने नेगलेक्टेड छोड़ दिया, मतलब हमें सिर्फ उनकी ब्यूटी से मतलब है, हमें उनके टूरिस्ट से मतलब है और हमें उनके सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है, बाकी हमें उधर के लोगों को क्या चाहिए हमें कोई मतलब नहीं। रीज़न क्या है, रीज़न बहुत ही सिंपल है, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि पेड़ कितने नेसेसरी है, उनकी जो वाटर की जो पेड़ों की रूट्स होती है जो बैंक के चारों तरफ लगी होती है वो कैसे वाटर को होल्ड, वो कैसे सॉइल को होल्ड करके रखती है और सॉइल इरोजन होने से भी बचाती है, वाटर को फ्लड होने से भी बचाती है, मतलब फ्लड ना हो इसलिए उसका भी पेड़ अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, रिवर बैंक के एंक्रोचमेंट को हमें रोकना होगा और जितनी भी नदियाँ बहती, ब्रह्मपुत्र की बात नहीं हर नदी की बात हो रही है, 1 किलोमीटर के हमें रेडियस में नदी के बैंक्स पे हमें ऐसे ट्रीज लगाने पड़ेंगे या हमें ऐसी ग्रासेस वेजिटेशन बनानी चाहिए जिनकी रूट्स अच्छी तरह सॉइल को भी रोक सके और जिस वजह से फ्लड भी रोका जा सके। ऐसे भी ट्रीज लगा सकते हो जो कि आपको फ्रूट्स भी दे और फ्लड भी रोके। सॉल्यूशंस स्लो है लेकिन सिंपल और परमानेंट, और स्लो वर्ड आप ये भूल जाइए, सॉल्यूशन स्लो है। तो एक बात याद रखिए, स्लो एंड स्टडी विंसी रेस। बाय बाय।